हेलो एवरीवन, मैं मिठा और आज की इस वीडियो में सीखेंगे डीएससी बनाना। डीएससी मीन्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कोई डॉक्यूमेंट में एक सर्टिफिकेट के जैसा कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नहीं होता। ये एक पेन ड्राइव के जैसा दिखने वाला डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डीएससी। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपका मैक्सिमम जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है और वहाँ पे ऑथेंटिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक में जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए ओटीपी से वेरीफाई करते हैं, या इनकम टैक्स फाइल करने के लिए ओटीपी से वेरीफाई करते हैं। इसी तरह से जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे भी ओटीपी का यूज़ होता है, वहीं पे आप अपने ओटीपी का यूज़ ना करके अपने डिजिटल सिग्नेचर से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपको ओटीपी का प्रॉब्लम है, या बहुत सी गवर्नमेंट वेबसाइट, मान लीजिए लाइक गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस, जैम पोर्टल है, धीरे धीरे इस पर भी क्या हो रहा है, ओटीपी का सिस्टम बंद होता जा रहा है और डीएससी ही एप्लीकेबल है। मतलब जितनी भी चीज़ें आपको, जो भी काम आपके ओटीपी से होते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे, उन सभी जगह पे आप अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को यूज़ करके अपने डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसी के साथ साथ जितने भी आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को अभी आप क्या करते हैं, फिलहाल पहले प्रिंट आउट निकालते हैं, उस पर साइन करते हैं, फिर उसको अपलोड करके फिर कहीं पर सेंड करते हैं। तो अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट को भी पेन ड्राइव के थ्रू, जो आपका डीएससी का टोकन होता है, डिवाइस होता है, उसके थ्रू कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट साइन होता है ये एक्यूरेट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है। सिग्नेचर आपका एक पल को कोई भी क्या कर सकता है, स्कैन करके, मर्ज करके, डीमर्ज करके, फोटोशॉप से कुछ भी एडिट करके आपके डॉक्यूमेंट पे किसी को भी यूज़ कर सकता है। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी जो डिवाइस होता है आपका, डीएससी डिवाइस आपके पास ही होता है, और जो डीएससी से अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते तो उसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, जिससे मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर लॉक हो जाता है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। डीएससी को अप्लाई कैसे करना है, कैसे हमें डीएससी बनाना होता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, डीएससी बनाने के लिए सबसे मेन, देखिए जो डीएससी को ऑपरेट करती है ना, वो ऑपरेट करने वाली है इंडिया में कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, मतलब सीसीए की वेबसाइट होती है, जो मतलब जितने भी डीएससी ऑपरेटर्स होते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ होती है, डीएससी ऑपरेटर्स उनको कंट्रोल करती है। और डीएससी बनाने वाली कंपनियाँ बहुत सारी है, जैसे कि पेंटासाइन हो गया, सेफ स्क्रिप्ट हो गया, ईमुद्रा हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां इस तरह से जो लोग डीएससी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको जो इंडिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड है, मतलब डीएससी सबसे ज़्यादा जो डीएससी के नाम में जाना जाता है, वो है हमारा ईमुद्रा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको ईमुद्रा का डीएससी कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन प्रोसेस से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले cca.gov.in की वेबसाइट पर आ जाइए। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे www.emudhra.gov.in यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डीएससी पोर्टल पे क्लिक कर देना है। डीएससी पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, बाय सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। बाय सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, बाय डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड साइन डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, उनको भी साइन कर सकते हैं। एंड जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है उन पे भी आप अपने ओटीपी का काम डीएससी के थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फिर ओटीपी की नीड नहीं होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली बाय सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। बाय सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर पूछता है, वो मेंशन कर देना आपको। तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, आप ओटीपी एंटर कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए, मैंने ओटीपी वेरीफाई किया। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद जो रेट मुझे वहाँ पे कितना दिखा रहा था, 1200 रुपये, जब मैं डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे आया था और यहाँ पे बाय डीएससी पे क्लिक किया था और यहाँ पे किया, तो यही रेट मुझे यहाँ दिखा रहा था 1200 रुपये। लेकिन जैसे ही मैंने अपने ओटीपी से वेरीफाई किया, ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद इन्होंने इसी प्राइस को कितना कर दिया, 3400 रुपये। यही डीएससी जो आपको 3400 रुपये का ई मुद्रा की वेबसाइट पे पड़ रहा है, वो आप अगर मेरा लिंक यूज़ करके अप्लाई करते हैं तो सेम यही डीएससी आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में पड़ेगा, वो भी आपके एड्रेस पे डिलीवर करके। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ओपन कर लेना है, उस लिंक को ओपन कर लेना है, और उस पर कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। जब आप लिंक पे क्लिक कर लेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, और इस स्क्रीन पे आपको तीन चार ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे क्विक इंडिविजुअल डीएससी, क्विक ऑर्गेनाइजेशन डीएससी, एनरोल एंड अप्लाई डीएससी। तो आपको क्या करना है, अगर आपका इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार बेस वाले पे क्लिक करना है। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन फर्म का डीएससी बनाना चाहते हैं, या आप अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का डीएससी बनाना चाहते हैं अप्लाई थ्रू जीएसटी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी हमारे केस में हम इंडिविजुअल का डीएससी बना के देख रहे हैं, लाइक प्रोप्राइटरशिप का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर आधार। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट भी काफ़ी कम लगते हैं और काफ़ी जल्दी हमारा डीएससी बन जाता है। तो आपको क्या करना है,
अप्लाई यूजिंग आधार, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है सबसे पहले सर्टिफिकेट डिटेल। सर्टिफिकेट डिटेल जो डीएससी होता है क्लास 3 का ही डीएससी मिलता है आप, ठीक है, पहले मिलता था क्लास 1 2 वगैरह, लेकिन अब जो है डीएससी सिर्फ और सिर्फ क्लास 3 का अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे सिग्नेचर, इंक्रिप्शन एंड बोथ। तो ये सिग्नेचर और इंक्रिप्शन में क्या होता है, देखिए एक होता है साइनिंग जिसको हम सिग्नेचर कहते हैं, इसमें सिर्फ आपकी साइनिंग होगी, और एक होता है इंक्रिप्शन और एक होता है बोथ। ये हो जाता है हमारा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब आपने किसी भी डाटा को इससे साइन किया, साइन करने के बाद क्या होगा, वो डाटा इंक्रप्ट कर सकते हैं आप। अगर आप इस सिग्नेचर ले रहे हैं तो सिग्नेचर में सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट जो है साइन हो जाएगा या ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं आप किसी डॉक्यूमेंट को डीएससी से इंक्रप्ट कर दें, मतलब ब्लॉक कर दें, उस डॉक्यूमेंट में कोई भी कुछ चेंजेस ना कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या है, इसके लिए इंक्रप्शन लेना होता है। इसके बाद यहाँ पे 1 और 3 ईयर आपको ये कभी भी नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि ये पहले अवेलेबल होता था, अब अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है 2 ईयर पे सिलेक्ट करना है। 2 ईयर पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, आपको रैंडमली अपना कोई एक कोड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोड जनरेट कर लिया, आप न्यूमेरिकल यूज़ कर सकते हैं, पूरे न्यूमेरिकल 6 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना पैन नंबर यहाँ पे पैन नंबर डाल देंगे, पैन नंबर डालने के बाद ये आपका नाम डालेगा, वेरीफाई कर लेगा आपके पैन के बेस पे क्या नाम है आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी, जो भी आप अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं वो डाल देंगे। जब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दोनों डाल देंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। इसके बाद वो ओटीपी आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद सेम आपको ईमेल में भी करना है, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके ईमेल का ओटीपी भी वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल का भी ओटीपी एंटर कर देंगे। मोबाइल और ईमेल का ओटीपी एंटर करने के बाद, इसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे अपना आधार नंबर देना होता है। आधार से मतलब क्या है, हमारा आधार से जो भी डाटा होगा, एड्रेस नाम वगैरह, वो रिफ्लेक्ट कर लेता है, जैसे कि हमारा आधार वेरीफाई हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। जब आप अपना आधार नंबर डाल देंगे, आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार से जो भी लिंक मोबाइल नंबर होगा उस नंबर पे ओटीपी आ जाएगा आपके आधार के थ्रू। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक किया मैंने, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये मेरी एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है, सेव। अब ये मेरी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी, यहाँ पे ये देखिए मेरा एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डाटा मैंने फिलअप नहीं किया, जो आधार में मेरा डाटा था वही डाटा ऑटोमेटिकली इसने पोर्टल ने रिफ्लेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद दोबारा से मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा ये डाटा दिखा रहा है, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरा सारा डाटा ट्रू एंड करेक्ट है। इसके लिए मेरे को क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जो भी मेरे आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा, दोबारा से उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी यहाँ पे मेरे को दोबारा से मेंशन करना है। तो जब आप अपने आधार ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करने के बाद फाइनली आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। इस पर यहाँ पे बताया जाएगा, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद लिस्ट ऑफ एक्शन, मतलब आपके एंड से क्या क्या एक्शन लेने थे और क्या क्या आपने कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड है, मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन। आपके एंड से जो पेंडिंग है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो वीडियो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप चाहे मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हिंदी में जारी रखे बोल सकते हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश में बोलना है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप जिस लैंग्वेज में कम्फर्ट है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। मेरे केस में मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए स्टेप्स बताए हुए कि पहला स्टेप आपको ये जो लाइन लिखी हुई है पूरी वो पढ़ना है कि आई एम अमित कुमार फॉर अप्लाई डीएससी विद ई मुद्रा, 539 इज द कोड ऑफ दिस वीडियो वेरिफिकेशन। इसके बाद आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड वीडियो के सामने दिखाना है, ठीक है। स्टार्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं वीडियो वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, कैसे करना है वो दिखाते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। वीडियो में ये ध्यान रखना है आपकी ऑडियो जो है वो क्लियर है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया और मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आई एम अमित कुमार अप्लाई फॉर डीएससी विद ई मुद्रा, 539 इज द कोड फॉर दिस वीडियो। इसके बाद डॉक्यूमेंट दिखाने हैं आपको, कैमरे के सामने ला के कुछ इस तरह से। ये मेरा आधार कार्ड है फ्रंट साइड, 2 सेकंड होल्ड करना है आपको। आधार कार्ड बैक साइड, पैन कार्ड। डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, आपकी वीडियो सेव हो रही है प्रोसेसिंग में, ठीक है। यहाँ पे जब आप प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से आप अपनी पूरी वीडियो देख सकते हैं कि जो आपने बोला है वो सही बोला भी है कि नहीं बोला है।
अगर आपको लगता है पूरी वीडियो आपकी सही है तो इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपको लग रहा है आपकी जो वीडियो है गलत है, रिकॉर्ड दोबारा करना, रिकॉर्ड अगेन पे क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में वीडियो सही है, मैं क्या कर रहा हूँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकता हूँ। ट्रैक एप्लीकेशन, यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें एनरोलमेंट कंप्लीटेड आ रही है। ई मुद्रा के एंड से आपका अप्रूवल पेंडिंग है, डीएसपी के एंड से आपका अप्रूवल पेंडिंग है। आप इस तरह से अपना डीएससी अप्लाई कर सकते हैं और 15-20 मिनट में घर बैठे आप अपना डीएससी खुद से बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।